हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना। नाउ टुडे वी विल अगेन स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच अ क्वेश्चन ऑलवेज कम्स। CUMES बोल रहा हूँ बेटा, मैं समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग। नाउ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक सम टाइम यू हैव अ क्वेश्चन, यार मैं फॉरेन मार्केट में एंटर करूं कि नहीं करूं। बनिया आदमी हो यार, सर आप तो खन्ना हो। कहने का मतलब बिजनेस करते हुए बी फॉर बनिया आर द बेस्ट बिजनेस मैन इन द वर्ल्ड। सो बनिया आदमी मैं कहूंगा, भाई मेरे को कहीं भी गुड्स बिकवा ले, मारे को तो पैसे से मतलब है, मोटा पैसा आना चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, इन्वेस्ट कर दूंगा बट प्रॉफिट आना चाहिए, राइट? So these kind of questions can be there. Then there can be a decision. बना बनाया लेके बेच दूं, trading या खुद बना के बेचूं, called make or buy. Now let's talk about a concept. Question बाद में करेंगे आज, make or buy. When you talk about make or buy, can I say make मतलब I will think of manufacturing a good. एक बच्चा कहता है सर जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपकी दो तरह की कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। उनका ठीक है, बट मैंने कहा बच्चों फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस वी कंसिडर फिक्स कॉस्ट एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब मैंने यार आई हैव टेकन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन रेंट, ले लिया ना, अब मुझे तो उसका रेंट देना ही देना है, चाहे बच्चे पढ़ने आए या ना आए। तो मैं अपना उस बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस कितनी चार्ज करूं टू बिगिन विद, टू सर्वाइव। आई विल सी वेदर आई एम एबल टू रिकवर माय रनिंग कॉस्ट और नॉट, वेदर आई एम एबल टू रिकवर माय रनिंग कॉस्ट और नॉट। याद करो बच्चों, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। फिक्स कॉस्ट तो बच्चों आप इंकर कर चुके हो, अब बच्चा पढ़ने आए चाहे ना आए, साला आपको तो रेंट देना ही देना है। बात है मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ 100 रुपए और बच्चा मुझे फीस दे रहा है 70 रुपये का, भाई गरीब बैठ, इससे अच्छा तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। 100 रुपए का खर्चा करके तेरे से 70 रुपए कमाऊं, नहीं चाहिए यार मुझे ऐसे 70 रुपए, 30 रुपए और जेब से दूं, इससे अच्छा तो ना पढ़ाऊं, कम से कम रेंट का ही तो लॉस होगा। सो कैन आई से फॉर डिसीजन मेकिंग इफ माई फिक्स कॉस्ट एक्ट एज ए संक कॉस्ट, यानी रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, देन इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आई कैन नॉट ऑलवेज से दैट ऑल द फिक्स कॉस्ट्स आर इग्नोर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, आई माइट कंसिडर सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट। सर कब, वो बताऊंगा, बट टू बिगिन विद आज का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है यार इफ अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट तो आई विल बी टेकिंग अ डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कीपिंग फिक्स कॉस्ट एज संक कॉस्ट। मर गया मिट्टी पाओ साला, वो तो खर्च नहीं कर। नाउ लेट्स अटेम्प्ट टू क्वेश्चंस ऑन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 5555. Now question says, is it worthwhile to try to capture the foreign market? मैं कह यार देख लेते हैं, सिंपल सी बात है यार, इंडिया में बेच रहा हूँ, 10,000 प्रॉफिट है, फॉरेन मार्केट के बाद मेरे प्रॉफिट 12,000 हो गए, बेच दो। फॉरेन मार्केट ऐड करने के बाद मेरे प्रॉफिट 9,000 रह गए, तो मतलब उसकी वजह से लॉस हुआ ना, मत बेचो। और इंडियन मार्केट में मुझे ऑलरेडी लॉसेस हो रहे हैं बट फॉरेन मार्केट के एंटर होते ही प्रॉफिट शुरू हो गए, तो बेच दो। और मेरा तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे एडिशनल मार्केट प्योर कंट्रीब्यूशन देती है और उसके लिए मुझे कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट, अगर मुझे कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करनी, तो मैं तो उसे बनाऊंगा और बेचूंगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी बोला था। चलते हैं आगे बनिया बनते हुए। A company annually manufactures 10,000 units of a product at a cost of rupees 4 per unit. And there is home market for consuming the entire volume of production
एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 4.25 रुपए, ठीक है 25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है और 4.25 रुपए में वो बिक जाती है, तो मेरा प्रॉफिट 25 पैसे हो गया। इन द ईयर 2009 देयर इज अ फॉल इन द डिमांड फॉर होम मार्केट विच कैन कंज्यूम 10,000 यूनिट्स बट एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 3.72 रुपए। यार मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 रुपए है। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, मतलब लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गया इंडियन मार्केट में। बट यार मैं लॉस भी हो रहा है तो फॉर द टाइमिंग कई बार बिजनेस चलाते हैं कीपिंग इन माइंड की सिचुएशन सुधरेगी, क्योंकि अभी बंद करके बैठ गए तो बाद में कैसे करेंगे। नाउ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर 10,000 यूनिट्स इज गिवन, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स, मेरी बारी है। मैंने कहा यार वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ गया, डीएम, ये डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम वाला नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट मटीरियल 15,000, वेजेस 11,000, वेरिएबल ओवरहेड 6,000, so this is the variable cost of producing 10,000 units. Variable cost per unit is also called average variable cost. Variable cost per unit is also called average variable cost per unit. तो average variable cost per unit का बच्चा बाटी क्या formula लिखूं? Sir, TVC by Q. यानी 3.20 रुपए, ठीक है। Now the foreign market is explored and it is found that this market can consume 20,000 units, yani foreign mein main 20,000 units bech sakta hu, if offered at a selling price of 3.55 rupees per unit, theek hai. Now it is discovered, yani indian market mein aap same goods 3.72 rupees ka bechoge but wahan pe aapko enter karna hai to aapne aur saste mein bechne ke liye aap ready ho के नहीं हो, वहीं जज करता है। 3.55 रुपए प्राइस मिलेगा अगर हम वहां बेचना चाहते हैं तो। इट इज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट फॉर एडिशनल 10, तीन बारी आपको पता है मैं क्यों बोलता हूं या चार पांच बारी क्यों बोलता हूं, चार बारी क्योंकि चार बोतल वोडका, यानी याद रखना है, फॉर एडिशनल 10,000 यूनिट्स ओवर इनिशियल 10 द फिक्स ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। Oh, I get it. 10,000 units का अगर इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज होगा 10% ऑफ 8,000। बट हमारा तो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, 20,000 यूनिट्स। तो उसने क्या बोला था पुत्र, फॉर एडिशनल 10, एडिशनल 10, अनदर एडिशनल 10 के लिए भी कितना ऐड होगा, 10% of fixed overheads. It means my fixed overheads, my additional fixed overheads, if I have to enter the foreign market, will be 1600. Yani, therefore, my total fixed overheads will be, sir, 8,000 to tha hi tha. 1600 रुपए और कॉस्ट बढ़ गई 9600। आई रिपीट, फॉर एडिशनल 10,000, फॉर एडिशनल 10,000 फिक्स ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10% टू 10% ऑफ 8,000, क्योंकि मेरा फिक्स ओवरहेड कितना था 8,000, एक और 10,000 क्योंकि टोटल हमें तो कितना इंक्रीज करना है, 20,000 यूनिट का ऑर्डर मिला है, तो पहले 10,000 का 10%, फिर दूसरे 10,000 का 10%, तो टोटल तो लेमन सेंस में बोलूं 20% इंक्रीज हो गया, यानी 1600 रुपए। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स नाउ बिकम्स 9600। नाउ बचपन से आपने सीखा होगा सैटरडे टाइम्स में ना एक न्यूज़पेपर आता था, ऐसे न्यूज़पेपर में होता था एक तरफ गंजा और एक तरफ गंजे के सिर पे बाल, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, it's like she loves me, she loves me not,
सारा दिन यही सोचता रहता है, सारा दिन आप लोग यही सोचते रहते हैं, शी लव्स मी नाउ, डोमेस्टिक मार्केट डीएम, अगेन ये डायरेक्ट मैसेज नहीं है बेटा, डीएम इज डोमेस्टिक मार्केट एंड एफएम, एफएम ये कोई रेडियो नहीं है सर, बड़े गंदे गंदे जोक मारते हो आप, सॉरी बेटा, एंड दिस इज टोटल। नाउ मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है डोमेस्टिक मार्केट का 3 रुपीज 72 पैसा, फॉरेन मार्केट का 3 रुपीज 55 पैसा, 3 रुपीज 72 पैसा फॉर डोमेस्टिक मार्केट एंड 3 रुपीज 55 पैसा फॉर फॉरेन मार्केट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और क्वांटिटी आप कितनी सेल कर रहे हो, 10,000 and 20,000। इससे पहले लिखने का फायदा नहीं था, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद लिखा ना मैंने टोटल, क्योंकि अब जो फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है तो वो अगर आप ध्यान से देखें डोमेस्टिक मार्केट की वजह से कितनी थी 8,000 और फॉरेन और फॉरेन और फॉरेन मार्केट आने की वजह से कितनी आई 10,000। इसका मतलब इधर देखो बच्चा बाड़ी, मेरा 2,800 का लॉस फॉरेन मार्केट आने की वजह से 2,600 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, मेरा 2,800 रुपए का लॉस फॉरेन मार्केट आने की वजह से 2,600 रुपए के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, कैप्चर द फॉरेन मार्केट। साला मेरे डोमेस्टिक मार्केट के लॉसेस भी वो बियर कर गया, सो इट्स गुड फॉर मी, सो इट इज वर्थ वाइल टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, एज बाय कैप्चरिंग द फॉरेन मार्केट वी आर एबल टू कन्वर्ट आर लॉस मेकिंग फर्म इन टू अ प्रॉफिट मेकिंग। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन बच्चो, सो द मेजर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज, बाकी चीजें तो बड़ी सिंपल सी थी कि प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, बट यहाँ पे एक छोटी सी बात थी वो इंग्लिश, फॉर एवरी एडिशनल 10,000 ओवर द इनिशियल 10, तो पहली 10 के लिए तो 8,000 था ही था, कहते एक्स्ट्रा 10 उसका 10% ऐड करो, फिर एक्स्ट्रा 10 उसका 10% ऐड करो, यानी बिकॉज ऑफ फॉरेन मार्केट माय एडिशनल फिक्स ओवरहेड इज 1,600। All about this question बच्चों, end में मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, and if you really like it please tell your friends, exams are about to come in November or December, you have a complete solution, and mind my words, end में भी बताऊंगा FM की मैं ऐसे आपके साथ videos लाने वाला हूँ, आप लोगों को complete solution देने वाला हूँ, मैंने सोच लिया, body सलमान खान जैसी नहीं है तो क्या हुआ, but एक बार commitment कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम यू विल हैव फुल कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं आगे बत्तर, क्वेश्चन नंबर 56, शुड यू मेक और बाय। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शुड यू मेक और बाय, आपको पता है अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज, मेक कॉस्ट में मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर नहीं करूंगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करूंगा, क्योंकि शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, तो एज लॉन्ग एज अ फर्म इज एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। नाउ अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट इट कॉस्ट 6 रुपीज 25 पैसा टू मेक कॉम्पोनेंट X273Q, नाम है मॉडल का, the same is available in the market at 5 rupees 75 paisa, agar saste mein mil rahe to, with the assurance of continued supply, matlab main kai bar man mein ye bhi dar aata hai ki yaar main market se khareed to lu aaj, agar market mein milna band ho gaya aur maine agar apni manufacturing band kar di, labor nikal di, to baad mein fir ekdam se production start karne mein thodi problem aayegi, to pehle main ye dekh lu ki mujhe iski supply continued milti rahegi, like मेरा एग्रीमेंट हो गया उस सप्लायर के साथ कि 3 साल तक 4 साल तक वो मुझे देगा ही देगा। सो इट सेज विद एन एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब है कमिटमेंट।
The breakdown of cost is as follows, but when I started looking at the breakdown, ये 1 rupees 25 paisa, 1 rupees 25 paisa को मैंने कट कर दिया, सर्वाइव। अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब मैं मशीनरी खरीद चुका हूँ, अब मैं प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं उसकी तो डेप्रिसिएशन होनी होनी है। तो कहने से डेप्रिसिएशन इज ए फिक्स कॉस्ट बीइंग संक कॉस्ट, यानी संक कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज इनकर्ड, वेदर आई प्रोड्यूस और नॉट आई हैव टू इनकर दैट कॉस्ट, दैट इज वाई इट इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग। Sunk cost is not taken into account for decision making. मुझे next class में याद दिलाना बच्चों, मैं sunk cost के कुछ examples भी लिखवा दूंगा, but आज का काम हमारा चल सकता है, ठीक है? तो मैंने कहा statement of evaluation of proposal. Make cost. मटेरियल 2 rupees 75 paisa, लेबर 1 rupees 75 paisa, अदर वेरिएबल कॉस्ट 50 paisa, एंड बाय कॉस्ट, इफ आई बाय इट फ्रॉम द मार्केट इट इज अवेलेबल एट 5 rupees 75 paisa. We will make. Sir, आपने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। बेटा देखो, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं ना बनाऊं, मार्केट से खरीदता हूं तो मुझे 75 paise ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना। सर अगर नहीं बना रहे तो आपको लॉस भी तो हो रहा है। बेटा बनाऊंगा तब भी लॉस है, नहीं बनाऊंगा तब भी लॉस है। अब देखो, यहां मार्केट से खरीदने पे 75 paise का लॉस है, यहां मार्केट से खरीदने पे 75 paise का लॉस है ना, तो मैं बनाऊंगा यार, क्योंकि मैंने बोल दिया फिक्स कॉस्ट, मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं वो तो मुझे कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है। एंड प्लीज, जो कॉस्ट सम कॉस्ट है यानी इनकर होनी होनी है, तो मैं बनाऊं या ना बनाऊं उसको जब वो नहीं अफेक्ट करती, दे आर कंसिडर्ड एज इररिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक बार दोबारा याद करा दिया, फर्म शट डाउन अपनी प्रोडक्शन तब करती है when it is not able to recover its variable cost. तो अगर आपकी variable cost आपकी buy cost से कम है तो make करो ना यार, तो we will make for the A part. Now the second part says, will your decision differ if the component is available at 4 rupees 85 paisa? Yes, why not? We will buy as we end up saving 15 paisa per unit, क्योंकि हमारी cost है 5 rupees और market से 4 rupees 85 paise में मिल रहा है। So we have purely taken decision on the basis of variable cost, considering fixed cost to be the sunk cost, and sunk cost is a cost which is not taken into decision making. Why? Because this is the cost needs to be incurred irrespective of the fact whether I continue producing or not, whether I continue producing or not. So all about these questions. Number 2, 2 questions हमने आपके साथ किए. So I'll just share. This is, चलो end में share कर देंगे आपके साथ, but एक बार अभी कर दिया. 55 और 66. This is the question with you. And this is the answer with you. Now, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम आपके लिए मंडे को फिर से लेके आएंगे। Now guys, you guys are smart enough. I have done a question like this. You can practice question number 58. If you have a doubt, you can drop me a message and I can do the question. Based 58 का मैंने होमवर्क दिया, based on question number 51, they are more or less the same. Same concept, everything the same. Now, 59, होमवर्क में नहीं दे रहा, करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने गलती की थी जब मैंने लास्ट टाइम कराया था, तो आई थॉट कि आई शुड डू इट इन क्लास। फाइंड आउट द सेल्स मिक्स, द मोमेंट द वर्ड सेल्स मिक्स कम्स, इट मींस
क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन द की फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स इज डिपेंडेंट ऑन की फैक्टर. और सेल्स मिक्स बनाने से पहले हमारा स्टेप वन होता है फाइंड आउट द रैंकिंग बेस्ड ऑन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, बेस्ड ऑन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. ऑल राइट, फाइंड आउट द सेल्स मिक्स विच विल गिव द मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट कीपिंग इन व्यू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. डन. आज ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ बच्चों, अभी पढ़ के बताऊंगा. इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई के मेरे साथ किए, वहाँ रॉ मटेरियल या तो मीटर में था या लीटर में था या केजी में था. तो आप लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर केजी बोले तो पर की फैक्टर. डन. अब आज देखते हैं इस क्वेश्चन में छोटे छोटे कैचेस क्या हैं. एंड यू नो कैचेस विन मैचेस एंड विल विन आर बैटल विद द डीयू. क्वेश्चन नंबर 59. हमने पहले फर्स्ट पार्ट के लिए काम करना है. फर्स्ट पार्ट के लिए काम हो गया तो सेकंड तो अपने आप हो गया. एबीसी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2008. और सबको पता है सबसे पहले सर क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. उसके बाद ही तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर निकलेगा. तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सर इट इज 175 and 50. All right. Everybody knows PV ratio is contribution ratio. PV ratio is contribution ratio. और contribution ratio 1 minus, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, variable cost ratio, याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था, plus PV ratio called contribution ratio का sum total is always 1. तो ठीक है, अगर मेरी पीवी रेशियो 10% है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यस 90% है. सो वेरिएबल कॉस्ट 90%, क्योंकि ये 90% हो जाएगा ऑफ 100, 90. उसके बाद उसका था 20%, तो 20% की जगह वो कितना बचेगा बेटा, 80%. 80% ऑफ 75. उसका था 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%. मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट तो आ गया, बट वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं है. कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ते हैं. मैक्सिमम सेल्स मतलब इससे ज्यादा सेल्स हो नहीं सकती. रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने यहां लिखा रॉ मटेरियल. फर्स्ट वन इज 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट इज 90. नेक्स्ट वन सारे 50% है, चलो 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विच इज 60. 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30. आज मेरे पास रॉ मटेरियल बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए. आज मेरे पास रॉ मटेरियल मीटर केजी लीटर में नहीं दिया हुआ, उन्होंने रुपीस में दिया है. तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर जब निकालूंगा तो मैं पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल निकालूंगा. क्या निकालूंगा बच्चों, पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल. आई रिपीट, आई विल कैलकुलेट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल. Now, one by one. पहले तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन. और सबको पता है पीवी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो. हमारा पीवी रेशियो कितना था बच्चा पार्टी, सर 10%. 10% ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इज ऑलवेज और पीवी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. सो 10% ऑफ 100 विच इज 10. एक बच्चा कहता है सर 100 minus 90 10, मतलब तो स्मार्ट है यार. फिर एक कहता है सर 20% ऑफ 75 क्यों लिख रहे हो, 75 minus 60 15, तो 50 minus 30 बोलो 20. यार सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, बट ठीक है. वैसे अगर देखूं तो कितना था हमारा 40%. सो 40% ऑफ सेल्स
विच इज 20। अब ये मेरे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे अब निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल, आई रिपीट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ वन बाय वन बात करते हैं, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। रुपीज 10 डिवाइडेड बाय रुपीज 45। बाय 45 इसलिए, पहले केजी से डिवाइड करते थे, उसके बाद मीटर से डिवाइड करते थे, यहाँ उसकी वैल्यू रुपीज में दी है तो रुपीज से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइडेड बाय 45 मींस यू आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। इट मींस फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ मटेरियल यूज्ड आई गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 22 पैसा अप्रोक्सीमेटली। रुपीज 15 डिवाइडेड बाय 30 यानी रुपीज 50 पैसा, यानी फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ रॉ मटेरियल आई गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 पैसा। तो अभी तक तो भी अच्छा लग रहा है इसे ना। रुपीज 15 डिवाइडेड बाय रुपीज 20 ठीक है, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3। My first job is to do the ranking before I select the product mix. Now before I go further, वो तो सिर्फ time pass है, आप देखोगे सिर्फ concept को recall करने वाली बात है, but main इस question का catch क्या था, पहली बार ऐसा हुआ उसने variable cost के components नहीं दिए, indirectly दिए कि PV ratio दिए तो contribution ratio है, और contribution ratio और variable cost ratio का sum total 1 होता है। तो जब PV ratio 10% था तो हमने वेरिएबल कॉस्ट 90, 20 था तो 80, 40 था तो 60 लेके निकाल लिया। सेकंड बात उसने बोला रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज, रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमने मटेरियल निकाल लिया। बट इस पर मटेरियल मुझे ये नहीं पता कितने केजी, कितने मीटर और कितने लीटर लग रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय रुपीज ही कर दिया, सो दैट आई गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल एंड हेंस द क्वेश्चन एंड द आंसर। नाउ प्रोडक्ट मिक्स, फॉर प्रोडक्ट मिक्स एवरीबडी नोस, मैं बुक की तरह नहीं करता, मैं देसी स्टाइल में करता हूं, मेरे सर ने जैसे मुझे सिखाया था। टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल 18 लाख रुपीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल रुपीज 18 लाख। ओके, एंड मुझे पता है मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, गामा, और गामा की कितनी यूनिट्स 10,000, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल यानी इससे ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है तो मैं उससे ज्यादा बनाऊंगी क्यों। So can I say less raw material required to produce gamma? कितनी यूनिट्स 10,000, और गामा की एक यूनिट पे कितने रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, सिर्फ 15 रुपए। गामा की सर ये 75 पैसे क्या था बेटा, ये तो था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, रॉ मटेरियल तो 15 रुपए का ही लगा है ना एक यूनिट पे, कि उस 15 रुपए में से हर 1 रुपए ने कितना कमा के दिया वो रैंकिंग के लिए था। तो ठीक है 15 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, यानी 18 लाख का जो मेरे को रॉ मटेरियल मिलेगा उसमें से मैं 1.5 लाख का रॉ मटेरियल तो यूज कर लूंगा टू प्रोड्यूस गामा, क्योंकि गामा की उससे ज्यादा की डिमांड नहीं है तो पहले मैं गामा ही बनाना पसंद करूंगा। नाउ कैन आई से बैलेंस अवेलेबल to produce alpha and beta, हाँ उनमें से कुछ भी बना सकता हूँ, but now my ranking says I must produce beta. Now beta 25,000 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में 25,000 यूनिट की है, so less raw material
फॉर बीटा 25,000 यूनिट्स, और एक यूनिट पे कितने का रॉ मटेरियल लगता है? 30 रुपए का। बीटा भी पूरा बन गया तो ठीक है, जो बाकी बचा अल्फा बना लो। यार अल्फा से कोई लॉस थोड़ी आ रहा था, कंट्रीब्यूशन तो आ ही रहा था। हाँ पर की फैक्टर सबसे कम था इसलिए मेरी रैंकिंग में भी वो नीचे नंबर पे था। प्रायोरिटी पैसा, पैसे बेसिस पर पहले गामा फिर बीटा अब अल्फा। मटेरियल बच गया तो यार क्यों ना बनाऊं, बनिया हूं, पैसे कमाने हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सो बैलेंस अवेलेबल टू प्रोड्यूस अल्फा रुपीज 9 लाख, बैलेंस अवेलेबल टू प्रोड्यूस अल्फा रुपीज 9 लाख। 9 लाख रुपीज का मटेरियल बचा हुआ है और एक यूनिट के लिए कितना लगता है? 45। सो कैन आई से हेंस मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल इज रुपीज 9 लाख डिवाइडेड बाय 45। एक बच्चा कहता है सर समझते हैं, होता है यार बचपन में मैं भी बड़ा वीक था मैथ्स का, साला यूनिटरी मेथड। मेरे बड़े पापा कहते कहते चले गए, कहते थे बेटा जिंदगी भर याद रखियो, सबसे ज्यादा तेरी लाइफ में जो काम आएगा ना, इकोनॉमिक्स में जिसे एवरेज कहते हो, अकाउंट्स में उसे यूनिटरी मेथड कह देते हैं ज्यादातर। 45 रुपए का रॉ मटेरियल यूज होता है एक यूनिट बनाने में, आपके पास 9 लाख रुपए का मटेरियल है तो बताओ कितनी यूनिट्स बन पाएंगी इस पे। अब मैंने बड़े पापा अपने, मैं बड़े पापा से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी एक बात पे मैंने चेंज कर दिया। मैं कहा जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो क्या करना है, ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड ऐसे ही करते थे। तो आपने जब सॉल्व किया 45x इज इक्वल टू 9 लाख, तो x इज इक्वल टू 9 लाख बाय 45। यानी आप अल्फा की मार्केट में डिमांड तो 40,000 यूनिट की है बट आपके पास 20,000 यूनिट से ज्यादा बनाने का रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो ठीक है 20 ही बना लो। और पंजाबी में क्या कहते हैं, भागते सोर की लंगूठी सही, भाई कुछ तो बन रहा है, कुछ दे के ही जाएगा, लेके थोड़ी जाएगा। सो माय प्रोडक्ट मिक्स इज रेडी, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रॉफिट, मतलब बी पार्ट भी साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूं। क्वांटिटी अभी आपने देखा, ए की हमने 20,000 निकाली, बी की सारी बनानी है और गामा की भी सारी बनानी है। अब मुझे उसे बताना है हाउ मच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। क्वांटिटी पता है तो कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर वाला नहीं, पर यूनिट, क्योंकि ये मैंने यूनिट्स लिखी हैं। और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था पत्र? सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 10, 15 एंड 20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 10, 15 एंड 20। लेस फिक्स कॉस्ट आई थिंक 6,80,000 थी, फिक्स कॉस्ट 6,80,000। तो प्रोडक्ट मिक्स तक की बात थी बच्चों, उसके बाद तो फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, कुछ करना ही नहीं। आई रिपीट क्वेश्चन का की कैच क्या था, रॉ मटेरियल था। बच्चे कहते क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो, मीटर लीटर के जी तो बताया नहीं जैसे पहले बताता था, और नहीं बताए तो आप पर रूबी में निकाल लो यार, की फर्क पड़ता है। सर आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, आप कहते थे कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कर निकालने के लिए डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कराऊंगा बट प्लीज इस चैप्टर को हम थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे। नेक्स्ट क्लास से हम आपके लिए लेकर आएंगे क्या क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलते हैं आगे, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, बट बिफोर आई फिनिश आई जस्ट शेयर द क्वेश्चन विद यू एंड द आंसर। दीज आर द टू क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द क्लास। क्वेश्चन 55 टॉकिंग अबाउट कैप्चरिंग द फॉरेन मार्केट, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या लॉसेस उड़ रहे हैं तो बना लो। 56 वी डिड मेक और बाय, फॉर मेक और बाय वी जस्ट डिड दैट फिक्स कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट,
बनाऊं चाहे ना बनाऊं, वो तो इनकर करना ही करना है, नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी डिड वॉज ऑन की फैक्टर अगेन, बट इन दिस क्वेश्चन द माइनर डिफरेंस वॉज द क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल वॉज नॉट गिवन. दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर के जी मीटर लीटर की जगह हमने क्या निकाला, पर रुपी ऑफ रॉ मटीरियल. So guys, these are the answers. You can have the look at them. And साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, if you like my video, like it, share it with your friends, because आपको अगर अच्छा लगे तो this is the one time solution you have. The same thing I say again and again. Sir, बुड्ढे हो गए आप. बुड्ढा नहीं हुआ मैं अभी. समझ गए ना क्या कह रहा हूँ, वो जो पिक्चर्स में होता है. एक पिक्चर भी होनी थी, बुड्ढा होगा. ठीक है, चलते हैं आगे. सॉरी बच्चों, बुरा मत मानना, मतलब कहने का मतलब यार जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. बट यस, इफ यू लाइक इट यू कैन टेल योर फ्रेंड्स. सो ऑल अबाउट टुडेज क्लास, कीप वॉचिंग माई वीडियोज. इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू विद द सेम. एंड यस, नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू ऑन थर्सडे. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू द क्लासेस मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे. टाइमिंग्स आर फिक्स्ड. लकी सेवन, व्हाट वी प्ले, Lucky 7. Bye bye, bye bye, and bye bye.